गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा यानी पी बाई एच, जो फॉर्मूला होता है यानी ए बी बटा ए सी, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कॉसेक। फिर हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा यानी बी बाई एच यानी बी सी बटा ए सी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह टैन थीटा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पी बाई बी यानी ए बी बटा बी सी, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी बी बाई पी यानी बी सी बटा ए बी, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा यानी एच बाई बी यानी ए सी बटा बी सी, यानी क्या 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा यानी एच बाई पी यानी ए सी बटा ए बी या 1 बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो हम लोग जो है पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब आइए हम कुछ नए आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम जान रहे हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम यहां क्या करेंगे, बाई पीजीटी, बाई स्टूडेंट्स, बाय बाय पीजीटी, पीजीटी क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं पीजीटी। ये क्या कह रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ तक तो आपको पता है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एसी स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड बाय एसी स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, दोनों साइड जो डिवाइड कर रहे हैं तो इसको यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल यानी वन वन, अब ए बी स्क्वायर, अब हमारे पास क्या बचा, वन इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और एक चीज और, यहाँ अगर ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हम क्या कर देते हैं बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी स्क्वायर यानी पी, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है यानी एच, पी बाई एच का होल स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है बेस, और ए सी क्या है हाइपोटेनस यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू का वन का होल, ठीक है, इक्वल टू का वन का होल। अब पी बाई एच क्या होता है, तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी अब हम जान रहे हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये स्क्वायर कहाँ होता है, थीटा पर नहीं होता है कभी स्क्वायर, ये ध्यान रखते हैं, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी जो है बन गया, ये मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या फाइंड हो गया, वो सारे आइडेंटिटी तो मुझे फाइंड नहीं था, अब एक नया आइडेंटिटी हमारा फाइंड क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अब इससे भी और आइडेंटिटी फाइंड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा यही रह जाएगा इक्वल टू का इक्वल टू वन का वन, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक और आइडेंटिटी जिसमें हमारा बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं और वन का हम वन रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या, तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो आया ही, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और फाइंड हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर क्वेश्चन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं,
तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारा फाइंड हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बस वही बाई पीसीटी यानी बाई पीसीटी यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फिर हम वही करेंगे एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम की मदद अगर हम लेते हैं तो पहले वाले आइडेंटिटी को फाइंड करने में हम क्या किए थे स्टूडेंट्स, पहले वाले आइडेंटिटी को जब हम फाइंड किए थे तो हम एसी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, बीसी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बीसी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यहां भी सेपरेट कर लेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, ए डी बटा बी सी का होल स्क्वायर। पहले ही हम बताए हैं इसको हम लिख सकते हैं जो दोनों पर स्क्वायर है, ठीक, ए बी सॉरी यहां होगा ए सी, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर और प्लस वन का प्लस वन। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ रहा है एसी बटा बीसी। तो एसी क्या है, हाइपोटेनस, बीसी क्या है, बेस यानी एच बाई बी का होल स्क्वायर, एच यानी एसी क्या है, हाइपोटेनस है यानी एच बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर प्लस वन का प्लस वन, ठीक है। यहां से मुझे फाइंड करना है तो एच बाय बी क्या होता है, सेक सेक थीटा का होल स्क्वायर, और पी बाय बी क्या होता है, टेन थीटा। पढ़े थे स्टूडेंट्स, याद रखना की जरूरत है प्लस वन। अब अगर हम जान रहे हैं कि क्या थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारा ये फाइंड हो गया, क्या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी हमारा ये फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। अब इससे भी हम चाहे तो और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अब टेन स्क्वायर थीटा को हम यही रहने देते हैं, इक्वल टू को इक्वल टू रहने देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और ये जो प्लस वन है इसको अगर हम इधर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यानी एक और आइडेंटिटी इससे बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अगर दूसरा हम बनाना चाहते हैं तो इस वन को हम यही रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू वन का वन, यानी एक और आइडेंटिटी बन गया, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इस तरह हमारा दूसरा आइडेंटिटी बन गया और इससे भी हम दो आइडेंटिटी बना लिया। अगर ये इसलिए बना रहे हैं
कि क्वेश्चंस में अगर ऐड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो इसके इक्वल हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू 1 होता है, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। जब थर्ड आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर अभी तक हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में किससे किससे डिवाइड किए हैं, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए हैं और बी सी स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। अब हमारे पास बच क्या गया है, अब हमारे पास बच गया है स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर। अब हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हुआ, अब हमारे पास क्या बच रहा है, डायरेक्ट हम अगर देखते हैं तो ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, यानी ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, यानी हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC हमारा क्या है बेस है, तो बेस और AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या पाते हैं हाइपोटेनस H by P किसका होता है cosec, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, cosec स्क्वायर cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 प्लस b by t क्या cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी मेरा बन गया। ये थर्ड आइडेंटिटी मेरा क्या बना स्टूडेंट्स cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर यहां से भी हम आइडेंटिटी बनाना चाहें तो बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा का cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का cot स्क्वायर थीटा, और ये जो है इक्वल टू का इक्वल टू, और cosec स्क्वायर थीटा और ये प्लस अगर इधर आ जाएगा तो माइनस, यानी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर उस एक और करें तो cot स्क्वायर थीटा का cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1, तो एक और दो और आइडेंटिटी बन गया cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक अगला cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह हमारा तीसरा आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी भी जो है वो फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम फोर्थ आइडेंटिटीज की बात करते हैं, अगर हम फोर्थ आइडेंटिटीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ आइडेंटिटीज की बात करते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम tan थीटा, tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है p by b, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे एच से डिवाइड कर देते हैं, बी बाई एच ऊपर नीचे बी बाई एच, तो पी बाई एच यानी क्या साइन थीटा, और बी बाई एच यानी क्या कॉस थीटा, तो
तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी भी फाइंड हो गया है स्टूडेंट्स। अगर हम फिफ्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो फिफ्थ आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो cot थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, b by t। cot थीटा क्या होता है हमारा, b by t। इसको भी हम सेपरेट सेपरेट h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, b by h और t by h। अब हम यहां क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, b by h यानी क्या, cos थीटा, और t by h यानी क्या, sin थीटा। तो हम यहां एक पांचवा आइडेंटिटी भी फाइंड कर लिए, क्या, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा, ऊपर नहीं लिख देते हैं शायद पीछे में नहीं दिख रहा हो, तो फिफ्थ आइडेंटिटी भी हमारा क्या फाइंड हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा, ये हमारा ये भी फाइंड हो गया। तो फिफ्थ आइडेंटिटीज भी हमारा फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ये जो पांच आइडेंटिटी फाइव आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड किया जाता है ये हमने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज बनता है वीडियो को देख के। फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।